here, ear at whose wide-flung door I sing. Actually, in this sixth stanza, poet is describing that many historical facts and many explorers and many about the voyagers in this sixth stanza, and this is the full of the references, and we will discuss those references. So here he say that ears at whose wide flung door I sing. Wide flung का मतलब होता है जो बहुत swiftly बंद हो जाए वो दरवाजा, जो क्या हो गया years, सालों के बाद में I sing, मैं क्या करूँगा, celebrate करूँगा उस दरवाजे की या फिर उस history की जो क्या हो गई, अब open हो गई, ये सबको पता चल रहा हूँ. Years of the purpose accomplished, सालों का जो purpose था, उद्देश्य था, वो क्या हो गया, accomplished हो गया. Years of the marriage of continent, climates and ocean. Because of the three achievements, the continents or the ocean became narrow and they come near. जिस वजह से लोग क्या है पास आ गए हैं, इस वजह से क्या है ऐसा लग रहा है कि मैरिज ऑफ कॉन्टिनेंट हो रही. क्यों? क्योंकि सेलिब्रेट कर रहा है पोइट, सेलिब्रेट कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स, क्लाइमेट्स और ओशंस. नो मियर डोज ऑफ वेनिस नाउ वेडिंग द एड्रियाटिक. डोज मीन्स दिस इज द पोस्ट वी कैन से इन जेनेवा एंड वेनिस में चीफ मजिस्ट्रेट को डोज बोला जाता था. नाउ दैट पोस्ट इज नॉट नो मोर इन दिस इन दीज कंट्रीज. सो नो मेयर डोज ऑफ वेनिस नाउ वेडिंग. अब वो क्या करेगा, वेडिंग करेगा द एड्रियाटिक. हियर आई एम शोइंग द एड्रियाटिक. एड्रियाटिक इज दिस वन. Yes, this one is Adriatic. This is the Adriatic is a sea between the Italian peninsula and the Balkan peninsula. This is the Italian peninsula and this is the Balkan peninsula. And इसके बीच में क्या Adriatic Sea है. अभी और ऐसा पॉइंट क्यों बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे Suez Canal ओपन हो गई है, तो वहाँ ऐसा लग रहा है लोग क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने जो पर्पज था उनका कम्युनिकेशन का, और लोग जो पास आ रहे थे, जो एक्सप्लोर हुआ था, एक्सप्लोरेशन हुआ था, उसके लिए पोएट बात कर रहा है. आई सी ओ ईयर इन यू द वास्ट टेरेक्वेस ग्लोब गिवन एंड गिवन ऑल. आई सी, मैं देख सकता हूँ, ओ ईयर, वो जो ईयर्स थे बहुत सालों के बाद में, इन यू, तुम में, द वास्ट टेरेक्वेस, यहाँ पे अर्थ की बात की है. टेरेक्वेस मीन्स अर्थ, जहाँ पे क्या हो, मिट्टी और पानी हो. जो ग्लोब है, गिवन, जिसने क्या है दिया है, गिवन ऑल, सब ह्यूमन बींग्स को मिट्टी और पानी दिया है. बिकॉज दिस इज द नेसेसरी थिंग और फॉर और बेसिक थिंग फॉर लिविंग अ लाइफ. यूरोप टू एशिया, यूरोप से एशिया, अफ्रीका जॉइंट, ये सब कॉन्टिनेंट क्या हो गए, जुड़ गए, आपस में ज्वाइन हो गए. एंड दे टू द न्यू वर्ल्ड, और वो कहाँ तक गए, न्यू वर्ल्ड. न्यू वर्ल्ड मीन्स अमेरिका. बिकॉज पोएट इज सेइंग दैट कि नाउ स्वेज कैनाल ओपन होगी, तो इस वजह से क्या हो गया, दूरियां कम हो गई यूरोप, अफ्रीका एंड दिस इज एशिया. एंड एशिया से इधर की तरफ चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ग्लोब में अमेरिका आ जाएगा. तो मतलब क्या है, दूरियां कम हो गई है, सब ज्वाइन हो गए हैं. द लैंड्स ज्योग्राफी इज डांसिंग बिफोर यू होल्डिंग अ फेस्टिवल गार्लैंड. ये जो लैंड है और इनकी जो ज्योग्राफीज है वो कैसे लग रही है, ऐसे लग रही है सेलिब्रेट कर रही हो, डांसिंग कर रही हो तुम्हारे सामने. होल्डिंग ए फेस्टिवल गार्लैंड, जैसे उन्होंने क्या है वेलकम के लिए फेस्टिवल गार्लैंड ले रखी हो. मीन्स हियर पोएट इज सेइंग दैट जो एक्सप्लोरेशन हुआ उस वजह से ये सारे कंट्री कैसे लग रही है, गार्लैंड की तरह लग रही है एक्सप्लोरेशन की वजह से. एज ब्राइड्स एंड ब्राइड ग्रूम्स हैंड इन हैंड, जैसे ब्राइड्स और ब्राइड ग्रूम की हैंड इन हैंड हो और उनके वेलकम के लिए. हेयर ब्राइड रिप्रेजेंट्स सोल एंड ब्राइड ग्रूम रिप्रेजेंट गॉड, बिकॉज स्पिरिचुअल जर्नी की बात कर रहा है पोएट. नाउ वी मूव ऑन दिस दीज लाइन्स. पैसेज टू इंडिया, जो पैसेज है इंडिया का, कूलिंग एयर्स, वहाँ पे हवा है कूलिंग फॉर कॉकर्स फार. Soothing cradle of man.
कोकस क्या है, कोकस भी एक एरिया है जो क्या है ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में सिचुएटेड है. आई एम शोइंग हियर, दिस इज द कोकस एंड दिस इज द, आई एम पॉइंटिंग हियर, दिस इज द कोकस एरिया एंड दिस इज द ब्लैक सी एंड दिस इज द कैस्पियन सी. इन दोनों के बीच का जो एरिया है वो क्या है, कोकस है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग. वहाँ पे ऐसा लग रहा है वो जो कोकस एरिया वो क्रेडल हो, और जहाँ पे मैन क्या कर रहा है, इंजॉय कर रहा हो, सूथ कर रहा हो. द रिवर यूफ्रेटिस फ्लोइंग द पास लिट अप अगेन. यूफ्रेटिस वहाँ पे रिवर है, यूफ्रेटिस रिवर जो जिसको माना जाता है लॉन्गेस्ट एंड इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ वेस्टर्न एशिया. वेस्टर्न एशिया में आप बोल सकते हो टर्की, ईरान, कुवैत, इनका बॉर्डर लगता है. अब यूफ्रेटिस इज दिस, यूफ्रेटिस इज दिस रिवर, दिस इज द रिवर एंड हेयर इज द टर्की, ईरान एंड द कुवैत. दीज आर द थ्री बॉर्डर्स हेयर. सो यू कैन सी दैट यूफ्रेटिस फ्लोइंग वो बह रही है पास लिट अप अगेन. अब क्या हो गया, जो हिस्ट्री है वो दोबारा से ओपन हो गई, रीओपन हो गई. लोग नॉलेज के थ्रू उनको जानने लगे, उनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ने लगे. लो सोल द रेट्रोस्पेक्ट ब्रॉट फॉरवर्ड. लो मीन्स लुक सोल, रेट्रोस्पेक्ट मीन्स री एग्जामिनेशन. ब्रॉट फॉरवर्ड जो तुम्हारे सामने ओपन किया गया उसको देखो, उसको री एग्जामिन करो. द ओल्ड मोस्ट पॉपुलस वेल्दियस ऑफ अर्थ्स लैंड. वो क्या है, ओल्ड सबसे पुराना, पॉपुलस सबसे ज़्यादा, वेल्दियस ऑफ अर्थ सबसे वेल्दी है इस अर्थ की. यहाँ पे पोएट किसकी बात कर रहा है, इंडियन लैंड की बात कर रहा है, इंडिया की बात कर रहा है. द स्ट्रीम्स ऑफ द इंडस एंड गंगेस एंड देयर मैनी एफ्लुएंट्स. वहाँ पे क्या है, बह रही है इंडस, सिंधु नदी, द इंडस सिविलाइजेशन जहाँ पे है, जहाँ पे गंगे मीन्स गंगा बहती है एंड देयर मैनी एफ्लुएंट, और जहाँ उनके वहाँ पे जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो कैसी है, अफ्लुएंट है. अफ्लुएंट मीन्स वेल्दी, स्मॉर्ड है. आई सो आई माई सोर्स ऑफ अमेरिका वॉकिंग टूडे बी होल्ड रिज्यूमिंग गोल. आई मैं कहाँ पे हूँ, सोर पे हूँ अमेरिका के. मीन्स पोएट इज सेइंग दैट कि आई एम हेयर एंड आई एम कि जो लैंड है वो इतना करीब आ गया है कि मैं यहाँ से बैठे बैठे यहाँ जो इंडस सिविलाइजेशन है या फिर गंगा नदी है वहाँ की ह्यूमन बीइंग्स को मैं देख सकता हूँ दूर से ही. मैं यहाँ पे हूँ स्टैंडिंग हियर वॉकिंग टूडे. मैं वॉक करूँगा. बिहोल्ड मीन्स देखूँ ना, रिज्यूमिंग ऑल, और मैं दोबारा से स्टार्ट करूंगा अपनी जर्नी. कहाँ से, अमेरिका के शोर से. द टेल ऑफ अलेक्जेंडर, जहाँ पे क्या अलेक्जेंडर की स्टोरी बताई जाती है. मीन्स अलेक्जेंडर ने क्या किया था, अलेक्जेंडर द ग्रेट जो इंडिया की तरफ आया था, पूरे वर्ल्ड को जीत के कॉन्कर करके जब वो इंडिया के लैंड पे आया तो वो वहाँ पे आगे नहीं जा सका और उसको वापस लौटना पड़ा. ऑन हिज वॉर लाइक मार्चेस सडनली डाइंग, जहाँ पे उसके वॉर लाइक मार्चेस मीन्स उनकी सेनाएं थी सडनली अचानक से क्या होने लगी, डाइंग होने लगी. मीन्स पीछे की तरफ जाने लगी. ऑन वन साइड चाइना एंड ऑन द अदर साइड पर्सिया एंड अरेबिया. यहाँ पे कितना ग्रेट है इंडिया उसकी पोएट बात कर रहा है कि जिसकी एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ पर्सिया एंड अरेबिया है. टू द साउथ द ग्रेट सीज एंड द बे ऑफ बंगाल, जहाँ पे क्या है साउथ में ग्रेट सीज है, हिंद महासागर. ग्रेट सीज मीन्स हिंद महासागर एंड बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है एक तरफ. द फ्लोइंग लिटरेचर, जहाँ पे क्या है एपिक्स हैं, जहाँ पे लिटरेचर, जहाँ नॉलेज है, ट्रेमेंडस एपिक्स, जहाँ एपिक्स लिखे जाते हैं. रामायण एंड महाभारत क्या है, ट्रेमेंडस एपिक्स है. रिलीजन है, जहाँ पे कास्ट है, ओल्ड अकल्ट ब्रह्मा, इंटरमिनेबली फार बैक, द टेंडर एंड जूनियर बुद्धा. जहाँ पे ब्रह्मा क्या है, अकल्ट मीन्स सर्वे सर्वा है. इंटरमिनेबली का मीन्स कंटिन्यूसली, जो क्या है आगे की तरफ चल रहा है, मीन्स जो अरेंज कर रहा है पूरे वर्ल्ड को, क्रिएट कर रहा है. फार बैक मीन्स क्रिएट कर रहा है. द टेंडर एंड जूनियर बुद्धा, जहाँ पे स्टोरी बताई जाती है. उस टेंडर मीन्स जो सॉफ्ट काइंड है, जो जूनियर बुद्धा मीन्स लॉर्ड बुद्धा की बात है. वहाँ इंडिया, इंडिया की हिस्ट्री में
सेंट्रल एंड साउदर्न एम्पायर्स एंड ऑल देयर बिलोंगिंग्स पोजिसर्स, सेंट्रल जिसके मध्य में या फिर साउदर्न में क्या थे, एम्पायर्स थे और उनके बिलोंगिंग्स थे, उनके अधिकार थे, पोजिसर्स उनका अधिकार था, मीन्स उनका ही राज्य चलता था। द वॉर्स ऑफ टेमरलिन, जहाँ पे वॉर हुआ, टेमरलिन मीन्स तैमूर का जो वॉर हुआ था, जहाँ पे मे बी तैमूर क्या हो गया था, वॉन हो गया, कॉन्कर कर लिया था इंडिया को, मंगोल जाति का था। यू कैन, इफ़ यू नो नॉट नो द हिस्ट्री ऑफ तैमूर देन यू मस्ट सर्च ऑन गूगल एंड अबाउट द वॉर ऑफ तैमूर एंड यू विल फाइंड द सॉल्यूशन। द रेन ऑफ औरंगजेब, जहाँ पे रेन था किसका, औरंगजेब का। द ट्रेडर्स, रूलर, एक्सप्लोरर्स, मुस्लिम्स, वेनेसियंस, बाइजेंटियम, द अरब्स, पोर्टुगीज, जहाँ पे ट्रेडर्स आए, रूलर्स आए, एक्सप्लोरर्स आए, मुस्लिम्स आए, वेनेसियन मीन्स वेनिस के जो लोग हैं वो आए, बाइजेंटियम मीन्स अभी जो प्रेजेंट टर्की है, ऑटोमन एम्पायर है, उसको पहले बाइजेंटियम बोला जाता था, तो उस बाइजेंटियम से आए, द अरब्स आए, पोर्टुगीज आए, द फर्स्ट ट्रेवलर्स फेमस येट, और वो फर्स्ट ट्रेवल जो क्या अभी भी फेमस है, मीन्स वास्को डी गामा, मार्को पोलो। मार्को पोलो वॉज द इटालियन मर्चेंट एंड हु ट्रेवल्ड, मार्को पोलो वॉज द इटालियन मर्चेंट एंड हु एक्सप्लोर्ड और हु ट्रेवल्ड इंडिया एंड द एशिया, एशियन कॉन्टिनेंट। ही गोज थ्रू द सिल्क रोड के थ्रू वो गया था, बिटवीन था अराउंड 1271 टू 95 के अराउंड में उसने क्या किया था, सिल्क रोड के थ्रू अपना मतलब ट्रेवल किया था। उसने अपनी बुक भी लिखी थी जिसमें उसने डिस्क्राइब किया था चाइना, जापान, इंडिया, इनके बारे में उसने राइट डाउन किया था। एंड सिल्क रोड वॉज द रोड दैट वॉज जहाँ से ट्रेड होता था, इंटरनेशनल ट्रेड होता था, वो सिल्क रोड है। बतूता द मूर वॉज ऑल्सो द एक्सप्लोरर और ट्रेवलर एंड इट इज सेड दैट ही एक्सप्लोर्ड और ट्रेवल्ड लॉन्गेस्ट, मीन्स सबसे ज़्यादा जो लंबा ट्रेवल किसने किया था, मूर ने किया था, इब्ने बतूता वी कैन से। एंड इसने मुस्लिम कंट्री एंड नॉन मुस्लिम कंट्रीज सब जगह पे इसने ट्रेवल किया था। डाउट्स टू बी सोल्व, वहाँ पे डाउट्स क्या हो गए, सोल्व हो गए। द मैप इनकॉग्निटा, जहाँ पे मैप बनाए गए थे कैसे, सीक्रेटली, ब्लैंक्स टू बी फिल्ड, और उनको भरे गए, फिल किए गए। द फुट्स ऑफ मैन एंड स्टेड, अब जो मैन के जो पैर थे वो रुके नहीं और हैंड ने कभी रेस्ट नहीं किया। दाई सेल्फ और सोल दैट विल नॉट ब्रोक और चैलेंज, दाई सेल्फ यू, जो सोल है तुम उस चैलेंज को क्या नहीं करोगी, ब्रोक नहीं कर सकती, तुम सहन नहीं कर सकती, बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसे एक्सप्लोर किया गया था, टायरलेसली लोग एक्सप्लोर करते गए थे। द मेडाइवल नेविगेटर्स राइज बिफोर मी, नाउ it is seeing or dreaming about those history when India was explored or America was explored, तो वो जो medieval navigators थे जिन वो क्या हो गए, मेरे सामने rise हो गए। the world of 1492, वो world, वो दुनिया किसका, 1492 में किसकी खोज हुई थी, अमेरिका की खोज हुई थी, कोलंबस ने की थी, तो वो विद इट्स अवेकन एंटरप्राइज जो क्या हो गए थे, खड़े हो गए थे। समटाइम्स स्वेलिंग इन ह्यूमैनिटी नाउ लाइक द सैप ऑफ द अर्थ इन स्प्रिंग, जो क्या है, ऐसा लग रहा था, स्वेलिंग का मीन्स राइज हो रहा है, पैदा हो रहा है कुछ ह्यूमैनिटी के अंदर, मीन्स ह्यूमैनिटी में कुछ न्यू एक्सप्लोर हो रहा था। अब वो क्या लग रहा था, सैप की तरह लग रहा था, एक कैनाल की तरह लग रहा था, मीन्स कुछ सीक्रेट हो अर्थ में, स्प्रिंग में। द सनसेट स्प्लेंडर ऑफ सिवेलरी डिक्लाइनिंग, और अब वो सनसेट हो गया, उन स्प्लेंडर मीन्स बहुत जो भव्य और शानदार थे, सिवेलरी मीन्स महान जो लोग थे, नोबल जो एक्सप्लोर करते थे और जो ब्रेवरी के साथ में आर्मी या सेना में जाते थे, डिक्लाइनिंग, अब वो खत्म होने लगी उनकी शानो शौकत, बिकॉज ह्यूमैनिटी में कुछ स्वेल हो रहा था।
एंड हु आर दाउ सैड शेड, तुम कौन हो, वो जो दुखी सी शेड है, किसको, सोल को बोल रहा है कि तुम इतने दुखी क्यों, जाइजेंटिक विजनरी दाई सेल्फ अ विजनरी, तुम क्या हो, बहुत बड़ी हो, विजनरी हो, दाई सेल्फ अ विजनरी, जो आगे फ्यूचर का सोचती है, विद मैजेस्टिक लिम्स, तुम्हारे क्या है, मैजेस्टिक लिम्स है, पार्ट है, हेयर अर्थ एंड पायस बीमिंग आईज, क्या है, प्योर है, बीमिंग आई मीन्स जो ग्लिटर कर रही है, स्प्रेडिंग अराउंड, जो छाई हुई है, विद एवर लुक ऑफ दाइन, तुम्हारा जो लुक है, अ गोल्डन वर्ल्ड, एक गोल्डन वर्ल्ड, क्योंकि इंडिया को क्या बोला जाता था, गोल्डन बर्ड बोला जाता, सोने की चिड़िया, वैसे ही ह्यूमनिटी ने एक्सप्लोर किया उस रिचनेस को, तो वो क्या हो गया, गोल्डन वर्ल्ड, एंशुइंग इट विद जो गॉर्जियस ह्यूज, एंशुइंग मीन्स उसका रिजल्ट निकला, क्या, ह्यूज मीन्स डिफरेंट डिफरेंट कलर के गॉर्जियसनेस में, मीन्स अब लोगों को नॉलेज मिला, एक्सप्लोरेशन हुआ, जिस वजह से लोग क्या हुए, पास आए, टेक्नोलॉजी क्या हुई, इन्वेंट हुई, लोगों ने थ्री इन्वेंशन किए, थ्री अचीवमेंट्स हुए मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग. नाउ वी मूव ऑन द सम स्ट्रेंजर. एज द चीफ हिस्टोरियन, यहाँ पे पोएट बात कर रहा है किनकी, वो हिस्टोरियन और एक्सप्लोरेशन थे जिन्होंने क्या किया था, बहुत ज़्यादा उनको पेन सहना पड़ा था इस एक्सप्लोरेशन की वजह से, तो वो चीफ हिस्टोरियन है, उनको देखा जा सकता है. डाउन टू द फुट लाइट वॉक्स इन सम ग्रेट सीन, वो क्या है, नीचे की तरफ ऐसा लग रहा है, फुट लाइट मीन्स जैसे अगर सिनेमा हॉल में जाए, वहाँ स्टेज पे जो एक फोकस होता है लाइट का, लाइटिंग होती है, उसको फुट लाइट बोलते हैं. वॉक्स इन, वो वैसे साथ साथ चल रही हो, इन सम ग्रेट सीना, सीना मीन्स वो सीन है, उसके थ्रू मीन्स वहाँ ऐसा लग रहा है कि वो पिक्चर जैसे लग रही हो. डोमिनेटिंग द रेस्ट आई सी द एडमिरल हिमसेल्फ, मैं देख सकता हूँ बाकी लोगों को. आई सी द एडमिरल हिमसेल्फ, एडमिरल मीन्स जो सेनापति है, लीडर है, उसको देख सकता हूँ. हिस्ट्रीज टाइप ऑफ करेज एक्शन फेथ, वो एडमिरल कैसा है, उसमें करेज है, एक्शन है, और वो फेथ करता है अपनी जो भी बाकी के मेंबर्स हैं उनके, उन पे. बिहोल्ड हिमसेल फ्रॉम पैलेस लीडिंग हिज लिटिल फीट, बिहोल्ड मीन्स लुक केयरफुली, उसको देखो, सेल, उसने सेल स्टार्ट की थी, अपनी जर्नी स्टार्ट की थी कहाँ से, पैलेस, पैलेस क्या है, एक प्लेस है, कहाँ पे, स्पेन में एक एरिया है जहाँ से कोलंबस ने अपनी यात्रा या जर्नी स्टार्ट की थी इन 1492 में. तो यहाँ एडमिरल में भी पोएट इज सेइंग अबाउट द कोलंबस लीडिंग हिज लिटिल फिट, उसने अपने छोटे पाँव वहाँ से रखे. हिज वॉइस बिहोल्ड, उसके वॉइस देखा गया. हिज रिटर्न, उसकी वापसी. हिज ग्रेट फेम, और उसका जो फेम हुआ, मीन्स ऐसा माना जाता है कि कोलंबस ने थ्री टाइम क्या की थी, जर्नी की थी, वर्ल्ड के चक्कर लगाए थे. हिज मिसफॉर्चून्स, और उसके बाद में उसका जो दुर्भाग्य है. कल्मिनेटर्स का मीन्स जो लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया, उसको बिहोल्ड हिम, वो देखो कैसे एक प्रिजनर की तरह चेंड, जो बंधा हुआ है. बिकॉज इन थर्ड वॉइस इट इज सेड दैट मैनी ब्लेम्स और मैनी आरोप लगाए गए थे किन पे, कोलंबस पे, कि वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता था अपने मेंबर्स को. इस वजह से जो क्वीन एलिजाबेला एंड जो फर्डिनेंड थे किसके, स्पेन के, तो उन्होंने क्या किया था, उसको प्रिजनर बना दिया था. बिहोल्ड हिज डिजेक्शन, और उस क्या है, उसको देखो. डिजेक्शन मीन्स उसकी सैडनेस, और पॉवर्टी और डेथ मीन्स ऐसा माना जाता है कि कोलंबस क्या है, पॉवर्टी में ही उसकी डेथ हो गई थी, वो मर गया था पॉवर्टी में, बहुत ज़्यादा तकलीफों में उसकी डेथ हुई थी. क्यूरियस इन टाइम आई स्टैंड नोटिंग द इफेक्ट ऑफ हीरोज, क्यूरियस इन टाइम मीन्स कि पोएट क्या है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस है उस टाइम के बारे में सोच के. आई स्टैंड नोटिंग, मैं नोट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ उस एफर्ट का, जो हीरोज थे जिन्होंने क्या किया था, इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर किया था. इज द डिफरमेंट लॉन्ग, जो क्या है, बहुत टाइम से टाला गया था, मीन्स फ्यूचर के लिए छोड़ा गया था, बहुत ज़्यादा लंबा था. बिटर द स्लेंडर पॉवर्टी डेथ, और वो बहुत कड़वाहट है उसमें, पॉवर्टी डेथ इनमें. लाइज द सीख
सीड अनरेग्ड फॉर सेंचुरीज इन द ग्राउंड, और वो जो झूठ था वो क्या हुआ, बहुत सालों से ग्राउंड में ही दबा हुआ था. लो टू गॉड्स ड्यू ओकेजन, और क्या है उसको देखो, उस जो ओकेजन है, अवसर है, गॉड का जो अवसर आया है जिसको उसने एक्सप्लोर किया, या फिर वो जो ट्रूथफुलनेस है या फिर सच्चाई है बाहर सामने आई, अपराइजिंग इन द नाइट. और वो क्या, अपराइजिंग का मतलब विद्रोह हुआ नाइट में, लोगों ने जो ऐसा माना जाता है कि कोलंबस को के फेवर में और जो उसके फेवर में नहीं थे उन दोनों के बीच में क्या हुई थी, लड़ाई हुई थी. तो नाइट में इट स्प्राउट्स, और ये स्प्राउट हो गया, ब्लूम्स हो गया, एंड फिल्स द अर्थ विद यूज एंड ब्यूटी, और ये भर गया उस अर्थ में उसकी ब्यूटी के साथ में. मीन्स वो हिस्ट्री अब सब लोग उसको जानने लगे, रिमेम्बर करने लगे कोलंबस की हिस्ट्री को. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सिक्स्थ स्टैंजा. प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड इफ यू लाइक माई एफर्ट देन लाइक दिस वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आई कैन यू विल गेट नोटिफिकेशन व्हेन एवर आई अपलोड न्यू वीडियोज. टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे.